मेरी दिवस पर वही कथा और कीर्तन की रसधारा सो को नृह्य रोड़ा ते कोई बेपरवाह जापे, दुनिया दा वाली है कोई शंशाह जापे का कविता का गायन करते हुए देहरादून से पधारे भाई कुलदीप सिंह ने बताया कि जब गुरु गोविंद सिंह जी देश कौम व मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने चार साहिबजा दो को कुर्बान करने के बाद जब माछी बाड़े के जंगल में धरती पर आराम फरमा रहे थे, तब कवि ने कल्पना करते हुए चल रही हवा से सवाल किया, ए कौन है जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के पश्चात बेपरवाह होकर बिना किसी मलाल और शिकवा के सो रहे हैं। इस प्रकार गुरु के उपकार को याद किया। उक्त कविता का गायन गुरु द्वारा दमदमा साहिब में आयोजित मीरी पीरी दिवस पर आयोजित कीर्तन दरबार में किए। इससे पूर्व सुबह कीर्तन दरबार की आरंभता बाहर सजे पंडाल में गुरु के ताल के हजूरी रागी भाई कुलदीप सिंह कोमल ने बसंत राग से की। नानक तिन्हा बसंत है जिन घर वसेया कंत का गायन किया। उसके पश्चात गुरु द्वारा बंगला साहिब दिल्ली के ग्रंथी जानी अंग्रेज सिंह ने संगत को इतिहास से रूबरू करवाया कि आज के दिन श्री हर गोविंद साहिब जी आगरा की धरती पर पहली बार आए थे और इसी जगह पर गुरु महाराज की एक धाई ने एक तका महाराज को भेंट किया। गुरु जी 3 मार्च को ही आगरा आए और 6 मार्च को धौलपुर पहुंचे। उसके बाद महाराज ग्वालियर के किले में गए। भाई सुखविंदर सिंह अनमोल पंजाब फगवाड़ा ढाडी जत्था ने कहा कि गुरु हरगोविंद जी महाराज के जीवन के बारे में बताया कि ढाडियों को जन्म गुरु जी ने दिया था। मीरी पीरी दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मीरी पीरी एक राजा की निशानी है जो गरीब मलजूम की तरह रक्षा के लिए है। शक्ति और भक्ति का एक साथ मिलाप है। अंत में गुरु द्वारा गुरु के ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी के अनुरोध पर जत्थे ने शहीदों को नमन कर सको कोई ने लिखे जो कर सको कोई नूर लाई है कोई भी Oh.